नमस्कार जया होम किचन में आप सभी का स्वागत है। वैसे तो आपने ढोकला बहुत खाया है, लेकिन आज हम आपको कॉर्न का यानी भुट्टे का ढोकला बनाकर बताते हैं। अब वैसे भी बारिश का मौसम है, भुट्टे बहुत आ रहे हैं, तो आप लोग भी प्लीज लीजिए और बनाइए। इसके लिए हमने क्या क्या लिया है ये देखिए। ये हमने दो भुट्टे को अच्छे से मिक्सी में पीस लिया है। ये 1 कप दही, 1 कटोरी सूजी, और ये हरी मिर्च, लहसुन, धनिया पत्ती, अदरक, इसका हमने पेस्ट तैयार कर लिया है। और वैसे हमें कलरफुल बनाना है ढोकला, उसके लिए हमने थोड़ा सा तो हमें ढोकला थोड़ा कलरफुल बनाना है, उसके लिए हमने ये चुकंदर का कलर निकाल लिया है, और इसके लिए हमने 1 इनो का पैकेट लिया है। अब आइए हम बताते हैं इसे किस तरीके से बनाना है। ये देखिए, हमने जो भुट्टा और स्वीट कॉर्न पीस के रखा है, उसमें हम 1 कटोरी सूजी डाल रहे हैं। इसके बाद ये 1 कप दही और 1 पैकेट इनो डाल के हम इसे नमक डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 10 से 15 मिनट रेस्ट पे छोड़ देंगे। ये देखिए, हमने इसे 10 मिनट रेस्ट पे रखा था, अब हम इसे अच्छे से मिला दिए हैं। हमने जो इसमें सूजी, मक्का और हरी मिर्च, लहसुन, धनिया पत्ती, अदरक जो हमने पेस्ट बनाया था उसे भी हमने इसमें मिला दिया है। अब हम इसमें नमक डाल देंगे। हम 1 से 1.5 चम्मच डाल रहे हैं, आप अपने हिसाब से डालिएगा, आपको जितना पसंद है। ये हमने 1.5 चम्मच नमक डाला और ये 1 पैकेट इनो। ये अच्छे से इनो को मिला दिया, अब हम स्पॉट पे इसे डाल देंगे। हमने उसके नीचे ऑयलिंग किया है। ये हमने घोल को पॉट पे डाल दिया है। आपको हमने बताया नहीं कि हम कलरफुल बनाएंगे, तो हम अब इसमें बीट रूट का कलर डाल रहे हैं। ये अपनी इच्छा के ऊपर है, अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं, कोई तो जरूरी नहीं है। ये हमने पैन में पहले ही पानी डाल के इसे हमने गर्म कर लिया है। अब हम इस ढोकला को इसके ऊपर रख देंगे और ढक देंगे। अब हम इसे 10-15 मिनट के लिए ढक देंगे। ये देखिए, हमारा ढोकला बनकर तैयार हो गया। ये देखिए कितना अच्छा बना है। ये देखिए, हम इसे चेक कर रहे हैं, ये देखिए बिल्कुल पक गया है, कहीं भी नहीं चिपका। तो बस 10 मिनट में हमारा ढोकला बनकर तैयार हो गया। ये देखिए, ढोकला बहुत अच्छे से बनकर तैयार है। अब हम इसे इसमें पलटा ले रहे हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा छौंक लगा देंगे। ढोकला तो छौंक लगाने के लिए हमने थोड़े से सरसों डाल दिए, सूखी मिर्च, करी पत्ता, थोड़ी सी हल्दी। ये देखिए, अब हम इसके ऊपर छौंक लगा दिए। आप चाहें तो इसमें चीनी का घोल भी बनाकर डाल सकते हैं।
तो देखिए अब हम ढोकला काट कर आपको दिखाते हैं। तो देखिए हमारा ढोकला बनकर तैयार हो गया। देखिए कितना स्पंजी बना, बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट। लीजिए भाई, हमारे मटके का ढोकला बनकर तैयार हो गया। बनने में भी कम समय लगता है, खाने में भी बहुत टेस्टी। आप इसके हरी चटनी के साथ या सॉस के साथ खाइए। और अभी तो भुट्टे बहुत आ रहे हैं, तो आप लोग जरूर बना के ट्राई कीजिए। और आपको अच्छा लगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।